यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 7 है। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं द गैसियस स्टेट के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? कि आपने कभी एक बलून सेलर को देखा है जो एक छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे बलून्स को भरता है, तो यह कैसे संभव है? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. उसके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है, इसके बारे में आप जानकारी लें। इसके बाद एक एक्टिविटी कराया गया है, यह हम लोग देख लेते हैं इस एक्टिविटी को। टेक 300 ml सिरिंज। सिरिंज आपने देखा होगा, तीन आपको सिरिंज लेना है जो कि 100 ml का हो। एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क्स एज सोन इन फिगर 1.4। तो जैसे कि यहां फिगर में दिखाया है, आप देख सकते हैं इसके नोजल को रबर कॉर्क से बंद कर देना है। यही है सिरिंज। इसमें आप देख सकते हैं इस भाग को हम लोग पिस्टन बोलते हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। जितने भी सिरिंज आपने लिए हैं उससे पिस्टन को पहले आपको निकाल के रख देना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चाक इन द थर्ड। तो आप देख सकते हैं कि तीन सिरिंज लिया है आपने, एक सिरिंज को आपको एज इट इज छोड़ देना है, दूसरे में आपको वाटर भर देना है, वाटर जो कि लिक्विड हो गया, और तीसरे में पीस ऑफ चॉक, चॉक के टुकड़े भर देना है जो कि क्या हो गया, सॉलिड। तो आप देखेंगे आपके पास तीन सिरिंज हैं, एक में आपने कुछ भी नहीं भरा तो उसमें क्या हो गया, उसमें गैस हो गया हवा, दूसरे में वाटर भरा हुआ क्या हो गया, लिक्विड, और तीसरे में आपने चॉक भरा हुआ क्या हो गया, सॉलिड। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। पिस्टन को वापस से लगाना है। यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। तो आप ये जो सिरिंज है आपके पास उसमें पिस्टन आसानी से चला जाए उसके लिए कुछ आप वैसलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब है कि आपको यहां से इसे दबाना है और दबा के इसको नीचे की ओर ले जाना है, आपको इसको कंप्रेस करना है। द कॉन्टेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, और प्रत्येक सिरिंज में ऐसा आपको करना है। फिर आपको इन प्रश्नों का जवाब भी देना है। What do you observe? आपने क्या देखा? In which case was the piston easily pushed in? किस केस में, तीन सिरिंज थे आपके पास, एक में था गैस, दूसरे में था वाटर लिक्विड, और तीसरे में था चॉक सॉलिड। तो किस केस में ये आसानी से कंप्रेस हो जाता है? तो आपने देखा होगा कि गैस के केस में ये आसानी से कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। What do you infer from your observation? Infer यहां एक नया वर्ड है आपके लिए, अनुमान लगाना। आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से? तो इन सारे चीजों का आंसर आगे के पैराग्राफ में दिया है, तो हम लोग उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. तो हम लोग यहां देखेंगे कि गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड के तुलना में, मतलब उनको ज्यादा दबाया जा सकता है, ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसा क्यों है वह भी आपको आगे पढ़ना होगा। तो यहां से एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है आपको कि कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, सॉलिड लिक्विड या गैस? तो इसका उत्तर क्या हो गया, गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं।
द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड मतलब उसको लिक्विड बनाया गया है, पेट्रोलियम गैस मतलब पेट्रोलियम गैस को लिक्विड बनाया गया है। तो यह कैसे बनाया जाता होगा वह भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहां तो आपको फुल फॉर्म ही याद कर लेना है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक छोटा सा सिलेंडर होता है लेकिन उससे पूरे महीने का खाना बन जाता है। तो यह कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो गैस भरा होता है वह कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, मतलब इसमें बहुत सारे गैस को भरा जाता है लेकिन कंप्रेस करके भरा जाता है। इसी प्रकार से जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है उसमें भी जो गैस भरे जाते हैं वह कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहां से आपका दूसरा प्रश्न आ गया, व्हाट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड, कंप्रेस किया हुआ है नेचुरल गैस, इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में सीएनजी का प्रयोग आपने भी सुना होगा। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। तो कंप्रेसिबिलिटी के गुण होने के कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भी भरा जा सकता है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, साथ ही साथ इसका स्टोरेज भी इजी होता है, इसका यूज भी इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया घर के सिलेंडर में बहुत सारे गैस को एक छोटे से टैंक में भरा जाता है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। तो एक बात मैं बता दूं, यहां से आपको गैसेस स्टेट में गैसेस के एक गुण के बारे में पता चला और यह है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। आप अभी पढ़ रहे होंगे और आपके किचन में क्या बन रहा है यह आपको पता चल जाता है। तो यह कैसे पता चलता है? तो यह आपको स्मेल से पता चलता है, दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल। या फिर जो प्रयोग हम लोगों ने किया था, कहीं आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका स्मेल आपके पास पहुंच जाता है। यह कैसे होता है? हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस? द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर वे। The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquids due to high speed of particles and large space between them. Gases show the property of diffusing very fast into other gases. तो यहां से तो आपको बहुत important प्रश्न आने वाला है। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो गैस हैं बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन पहले भी आपने पढ़ा है, एक प्रकार का पार्टिकल दूसरे प्रकार के पार्टिकल में जो घुल मिल जाता है उसे हम लोगों ने डिफ्यूजन कहा था। तो यहां पर यह बताया गया है कि सॉलिड लिक्विड इनका डिफ्यूजन का रेट बहुत कम होता है जबकि गैस के डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है। क्यों? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज लो। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर यहां पे आपको दिया गया है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस।
तो गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैसेस में बहुत फास्ट होता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत हाई स्पीड में होते हैं और उनके बीच में बहुत लार्ज स्पेस होता है, इसके कारण गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। इसका रेट क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को लिया गया है और उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट को यहां दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सॉलिड भी पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है, लिक्विड भी पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ है और गैसेस भी पार्टिकल्स के मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं सॉलिड में ये जो पार्टिकल है उसका फिक्स पोजीशन है। फिक्स पोजीशन का मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं लिक्विड में ये पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है। आप देख सकते हैं रेड एरो से दिखाया गया है, ये मूव कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यह जो है गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के पार्टिकल हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड में। एक और चीज आप यहां देख सकते हैं, इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत कम है। यहां पर गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है और यहां देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत बहुत ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर गैप कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप। इसके बाद एक और पॉइंट यहां आप देख सकते हैं, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। यहां देखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉडरेट हैं और यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम हैं। तो यह है सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर। तीनों एक ही पार्टिकल के मिलकर बने हो सकते हैं, लेकिन इनका अवस्था अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है अलग अलग है। तो यहां पर गैस के संबंध में एक और बात बताया गया है। आप देख सकते हैं ये गैस मॉलिक्यूल है, बलून है और इसमें गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है। तो आप बताएं कि यदि थोड़ा सा गैस आप और इसमें भरते हैं तो क्या हुआ, ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो आप देखेंगे ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पार्टिकल है वह, ये जो बलून में इनको भरा गया है, इस गैस पार्टिकल को, तो ये बलून की वाल पर ये प्रेशर लगाते हैं, जिस कारण से हो सकता है कि ये जो बलून का वाल है वह फट जाए। तो ऐसा क्यों होता है? इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मीनिंग हो गया कोई भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दिखाया गया है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उसके वॉल को भी हिट करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर बलून क्या हो गया, गैसेस पार्टिकल के लिए कंटेनर है जिसको ये हिट कर रहे हैं। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये जो प्रेशर, ये जो गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि यह फोर्स एग्जर्ट करता है गैस पार्टिकल इसके वाल पर। ये जो गैस पार्टिकल है इस कंटेनर के वाल पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसके कारण यह एक प्रेशर को फील करेगा और हो सकता है बहुत ज्यादा यदि यह प्रेशर हो तो यह फट भी जाए। तो यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है क्यों, वाई? तो इसका मैंने आंसर बताया, आप उस आंसर को लिख सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।